और हमने ये इनको चेतावनी दे दी है, नोटिस दे दी है, अगर तुरंत इसका पैसे का वितरण नहीं करोगे, तनख्वाह नहीं दोगे तो पानी पूरा का पूरा खड़ा कर दिया जाएगा। ये मैंने ईएनसी महोदय को कह दिया। साफ स्पष्ट है सरकार का तंत्र कानून की उल्लंघना कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉडल एम्प्लॉयर गवर्नमेंट होती है, लेकिन कैसी मॉडल एम्प्लॉयर है ये सरकार और ये महकमा? आपने 5 महीने से वेतन नहीं दिया है, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पानी को वितरित करने के लिए। ये जल रक्षक है, जिस जल रक्षक के आधार पर देहात के अंदर पीने का पानी घर घर पहुंचता है, उसको आपने 5 महीने से वेतन नहीं दिया है। ये बहुत दुखद है, और सिर्फ दुखद नहीं है, वी आर वेरी क्लियर, और हमने ये इनको चेतावनी दे दी है, नोटिस दे दी है, अगर तुरंत इसका पैसे का वितरण नहीं करोगे, तनख्वाह नहीं दोगे तो पानी पूरा का पूरा खड़ा कर दिया जाएगा। ये मैंने ईएनसी महोदय को कह दिया। सर, मिले हैं आश्वासन भी कुछ मिला है? देखिए, आश्वासन तो दिया है, लेकिन आश्वासन डालना कहाँ है? आप सिर्फ खोखला आश्वासन देते रहोगे, उससे बात नहीं बनेगी। जीवन यापन लोगों का तब चलेगा जब पेट में रोटी जाएगी, और पेट में रोटी तब जाएगी जब वेतन उनके हाथ में आएगा। उनके हाथ में वेतन पिछले 5 महीने से मतियाना वाले डिवीजन ने नहीं दिया।